1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एयरलाइंस की नई दिल्ली तक की इस उड़ान के यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था। इनमें से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुंचने वाले नहीं थे। अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थीं। आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अध्याय लिखा गया। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 रवानगी की तैयारी में थी। 1 घंटा 20 मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुंचने वाला था। कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण, को पायलट सिंह और फ्लाइट इंजीनियर जागिया उड़ान से पहले की जांच पड़ताल कर रहे थे। विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादातर नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ्ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे। शाम 4 बजे के बाद जब IC-814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। बहुत जल्द ये विमान भारतीय वायु सीमा में आ गया। कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी। इतनी छोटी उड़ान में यह काम फुर्ती से निपटाना जरूरी होता है। दिल्ली काठमांडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी। मैंने सोचा कैप्टन्स को कुछ चाय कॉफी दे दी जाए। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पायलट्स को चाय देने के लिए कॉकपिट में पहुंचे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो IC-814 में सवार सभी लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैंने जैसे ही गैली की तरफ मुंह किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। वो नाटेकत का था और उसने चश्मा पहना था। मुझे लगा कि मुझे फौरन कैप्टन्स को बताना चाहिए। मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाए। जब अनिल शर्मा लौट रहे थे तभी मैंने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में घुस रहा है। कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बम भरवाने के लिए पल भर के लिए मैं सहम गया। मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो। लेकिन वो अकेला नहीं था। हथियारों से पूरी तरह लैस 4 और अपहरणकर्ता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कब्जा कर लिया। आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फेंको, सीटों के नीचे फेंको, जल्दी नीचे फेंक दो। वो बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे, इसलिए हमने जल्दबाजी में हड़बड़ी में खाना फेंकना शुरू कर दिया। फिर हमसे सीटें बदलने को कहा गया। बच्चे मुझसे दूर हो गए। अब वो पीछे बैठे थे, हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था। Thank you.
मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो मेरे पास नहीं थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो बहुत दूर थी। मैंने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उठाकर खड़ा हो गया, और फौरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवॉल्वर तानकर बोला, चुपचाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा। सुन लिया? तब उसे मेरी आवाज में कुछ गुस्सा, कुछ फिक्र, कुछ खौफ, ये सब महसूस हुआ। शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं मानेगा। उसने कहा, जल्दी से देख और बैठ जा। मैंने नजर घुमाई, उनकी तरफ देखा, वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे। फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कॉकपिट में कैप्टन शरण किसी तरह अपहरणकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक ईंधन नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितना ईंधन है? मैंने कहा कि दिल्ली तक का ईंधन है। उसने पूछा कि अगर दिल्ली न उतर पाए तो और कहां जा सकते हैं? उसे मालूम था कि हम बम्बई या अहमदाबाद जा सकते हैं। मैंने कहा, अहमदाबाद। फिर उसने कहा कि अगर अहमदाबाद या बम्बई जा सकते हैं तो लाहौर क्यों नहीं जा सकते? दिल्ली से बम्बई के मुकाबले लाहौर ज्यादा करीब है। भारतीय उपमहाद्वीप में रात हो गई थी। IC-814 अपनी मंजिल से अनजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ खतरनाक हथियारबंद लोगों ने बंधक बना रखा था। कॉकपिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरणकर्ताओं की नजर बचाकर उन्होंने एक इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर दबाया, जिससे भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC-814 का अपहरण हो गया है। IC-814 में कैप्टन और अपहरणकर्ताओं के बीच कश्मकश चल रही थी। अपहरणकर्ता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे, लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके घाव अभी तक ताजा थे। मैं लाहौर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था। मैं भारत में किसी भी जगह पर उतरने को तैयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके। लाहौर ATC का रुख कैप्टन के काम आया। उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया। लाहौर ने अपनी वायु सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी। इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था। उठो। 8 पुरुष यात्रियों को वहां से उठाकर एग्जीक्यूटिव कैबिन में ले जाया गया। उनमें 27 साल के रिपन कतियाल भी थे, जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे। जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर 3 लोग पहले से ही थे, और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खींचकर नायलॉन की रस्सी से बांध दिए। फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांध दी मुझे। यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया। मैंने अपनी रफ्तार करीब 40% कम कर दी क्योंकि मैं दिल्ली या अमृतसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सके। लेकिन IC-814 में ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन अपहरणकर्ता अड़े हुए थे। वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे। फिर यह गतिरोध कैसे टूटा? आखिर कौन झुका?
नेपाल में काठमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 पर 5 अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। वो रिवॉल्वर, चाकू और हथगोले लेकर विमान में घुस गए थे। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि पायलट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायु सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इनकार कर दिया। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमृतसर में उतार लें। लेकिन अपहरणकर्ताओं को डर था कि भारतीय सुरक्षा बल विमान में घुस जाएंगे, इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लेकिन वो अमृतसर में नहीं उतरना चाहते थे। उन्होंने 2-3 मिनट लिए, सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए, कुछ बातचीत की, फिर वो अंदर आए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि विमान को ईंधन मिल जाएगा? मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा, बस हमें अमृतसर में उतरने दो। कैप्टन की चाल काम कर गई। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन की इस गारंटी पर विमान को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी कि फौरन ईंधन मिल जाएगा। अब मुझे लगा कि हम यहां से नहीं उड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाईजैकिंग का ये नाटक अमृतसर में खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अमृतसर में स्थानीय पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG दिल्ली से अमृतसर जाएगी, और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई। मुझे दिल्ली से संदेश मिला कि NSG आ रही है, तो हमें उनका इंतजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरह से राजासासी एयरपोर्ट पर रोकना था। दिल्ली के निर्देश पर अमृतसर में अधिकारी ईंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे। लेकिन इस देरी से अपहरणकर्ताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा। प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया। हाईजैकर्स को यकीन हो गया कि भारतीय कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने IC-814 के पायलट को उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्हें ईंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी, पर पायलट ने हार नहीं मानी। IC-814 पर पायलट्स और अपहरणकर्ताओं के बीच खींचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे। पायलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो ऑल ऑफ अ सडन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे के कहने के बाद वो एक डॉक्टर, टेररिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था, तो वो आता है तो वो यहाँ पे रिपिन कथियाल की छाती में उसने काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। फ्लाइट इंजीनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टि करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रहे हैं। जागिया वहां की हालत देखकर सकते में आ गए। जागिया कॉकपिट में आए तो थरथर कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को मार दिया है। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि अगर तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाया तो हम सबको मार देंगे। बहुत हो चुका, तुम उड़ान भरोगे या नहीं? मैंने कहा हमारे पास ईंधन नहीं है। हाईजैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी। अगर 30 से 0 तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पायलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे। अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था। ATC कुछ नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं मिल रही थी।
प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। भारतीय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर सबको मार देंगे, तो कैप्टन शरण ने सोच समझकर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उड़ान भरी। प्लेन में जितना ईंधन था उससे लाहौर पहुंचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। भारत ने प्लेन पर कब्जा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया था। पायलट यही कहते रहे कि उनके पास बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम ईंधन नहीं भरेंगे तब तक एयरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा। हमने अमृतसर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एयरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमें और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कोई कारण नहीं बताया गया। मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा। पहली सूचना मिलते ही एनएसजी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था। हाईजैक को खत्म करने की कोई रणनीति होनी चाहिए थी। IC-814 अब अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहाँ उतारना नहीं चाहती थी। जब विमान को मार गिराने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने लाहौर हवाई अड्डे पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहाँ उतरने नहीं दे सकते, तुम कहीं और जाओ। उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन एड भी बंद कर दिए और एप्रन लाइट्स भी बंद कर दी। आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स ऑन कर दी। मेरे पास हवा में रहने के लिए ईंधन नहीं था, मुझे फैसला लेना ही था। तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगह दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूं। दिशा बताने का कोई संकेत न होने के कारण पायलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि ये लाहौर का रनवे है, लेकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पायलट्स ने देखा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है। ये तो रोड है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज अब समझ गई थी कि पायलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर IC-814 को उतरने की इजाजत न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा। एटीसी वाले समझ गए कि मैं इतना नीचे आ गया हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि प्लेन क्रैश लैंड कर जाए। तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है, रनवे पर आओ। लैंड करने के कुछ ही सेकेंड्स बाद शायद मेरा दाहिना इंजन ठप हो गया क्योंकि ईंधन बिल्कुल नहीं था। कैप्टन की चाल रंग लाई, IC-814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया, लेकिन यह पड़ाव कुछ ही देर का था। उधर पीछे कैबिन में खून से लथपथ घायल यात्री अंतिम सांसें ले रहे थे। उनकी जान बचाने के लिए फौरन चिकित्सा की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उतावले थे। मैंने एटीसी से अनुरोध किया, मैं गिड़गिड़ाया कि सीढ़ी भेज दीजिए, मैं चाहता हूं कि घायल यात्री, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए। लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईंधन चाहिए और हम तुम्हें ईंधन देंगे,
लेकिन तुम्हें यहाँ किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे। यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा। पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे। विमान वहां उतारना पड़ा क्योंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे। वो इसे अपने यहां से भगाने को उतावले थे। लाहौर में उतरने के बाद 3 घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उड़ान भरी। उधर भारत में इन अफवाहों ने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर जमा भीड़ में दहशत फैला दी कि अपहरणकर्ताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफगानिस्तान में काबुल ले जाया जाए, लेकिन काबुल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी, इसलिए हाईजैकर्स ने पायलट को विमान संयुक्त अरब अमीरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया। इसी बीच रिपन कतियाल के सीने पर हाईजैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कतियाल की मृत्यु हो गई। अमृतसर में विमान में घुसने का मौका गंवाने के बाद भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमांडो ऑपरेशन की इजाजत दे दें। यूएई की सरकार और दुबई के स्थानीय अधिकारी कमांडो कार्रवाई की इजाजत देने को कतई तैयार नहीं थे। हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें। लेकिन यूएई के अधिकारियों ने ईंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रिहाई पर राजी कर लिया। घायल यात्रियों को भी उतार लिया गया। अल मिनात में उतरने के करीब 10 मिनट बाद बर्गर मेरे पास आया और बोला, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया। वहां मैंने एक नौजवान को देखा। उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लथपथ एक सीट पर पड़ा था। उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहूं तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था। रिपन कतियाल का शव विमान से उतार दिया गया, लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है। हमें यह आदेश मिला कि लाश को स्टेप लैडर के ऊपर रख दें, जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी। रिहा किए गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहुंचे और इसी बीच IC-814 ईंधन लेकर फिर से अनजानी मंजिल की तरफ उड़ गया।
क्रिसमस का दिन था, लेकिन इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 में बचे 162 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी। 18 घंटों से उनका विमान 5 हथियारबंद अपहरणकर्ताओं के कब्जे में था। एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था, लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी। यात्री नहीं जानते थे कि रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ IC 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी गुट तालिबान का कब्जा था। ये खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का भी गढ़ था। मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी। पिजेरो में सवार लोग विमान के करीब आए और उन्होंने इस तरह से हाथ हिलाए। मुख्य हाईजैकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया। उस वक्त मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं समझ गया कि भीतर हाईजैकर्स हैं और बाहर आतंकवादी। IC 814 के अपहरण को 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हाईजैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कौन थे और वो क्या चाहते थे? दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारतीय खुफिया एजेंट्स को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहद प्रशिक्षित और समर्पित फिदायीन आतंकवादियों से है। मैं मन ही मन उन फिदायीन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इस्लामी कट्टरपंथियों और उग्रवादियों ने कश्मीर में चलाए थे। हरकत उल मुजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदायीन हमले कर सकते थे। ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एयरक्राफ्ट को विस्फोट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे। इधर भारत में सैकड़ों लोग रिपन कतियाल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिन्हें अपहरणकर्ताओं ने बेरहमी से मार दिया था। दुनिया भर में टेलीविजन पर इस अंत्येष्टि के दृश्य प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलझाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी झुकने को तैयार नहीं थे। ये भी अभी तक नहीं बताया है, पर वो जो भी चाहते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है। ये गलत है। ऐसे वैश्याना कदमों के सामने भारत झुकेगा नहीं। भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरोध करती थी, लेकिन इस संकट को सुलझाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था। हमें उम्मीद थी कि भारतीय अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे, लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र हैं। IC 814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचैनी नहीं थी। पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी ईंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं, लेकिन पायलट्स ने साथ देने से मना कर दिया। वो अड़ गए कि पूरी इंजीनियरिंग जांच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है। IC 814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन हाईजैकर्स शांत नहीं बैठे थे। वो कॉकपिट में मौजूद ट्रैप डोर के जरिए कार्गो होल्ड तक पहुंच गए। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी कि कार्गो होल्ड में कुछ हो रहा है। मैं जानता था कि वहां कोई बैग है जिसे वो निकालना चाहते थे। आखिरकार हाईजैकर्स ने वो बैग कार्गो होल्ड से निकाल लिया। सुबह जब मैं कॉकपिट में गया तो वहां तरह तरह के हथियार पड़े थे। अलग अलग रंग के हथगोले थे और कारतूस फैले पड़े थे। अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साजिश बहुत बारीकी से सोच समझकर बनाई गई थी।
लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था। उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिश्तेदार एकजुट हो गए। संकट सुलझाने में भारत सरकार की नाकामी से नाराज रिश्तेदार विदेश मंत्री जसवंत सिंह के संवाददाता सम्मेलन में घुस गए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए। वो भविष्य में हमें सारी जानकारी देंगे ताकि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना घुसना पड़े। दुनिया भर में टेलीविजन नेटवर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बातचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। ये समस्या तो राजनीतिक समस्या है। आखिरकार भारत सरकार ने वार्ताकारों की एक टीम बनाई जो IC-814 के अपहरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पहुंची। तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ आए कमांडो विमान में छिपे हुए थे। भारत सरकार IC-814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी। वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से घेर लिया था। उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हथियारों से लैस थे। वो एयरक्राफ्ट की हिफाजत करने के अंदाज में वहां तैनात नहीं थे। वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे। भारतीय वार्ताकारों के विमान के चारों तरफ तैनात तालिबान लड़ाकुओं की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोज के लिए फुर्ती से झपटना मुमकिन नहीं था। भारतीय दल के सामने एक ही रास्ता था कि अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की जाए। चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई स्विच दबा दिया होगा। पूरे प्लेन में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। हाईजैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना था। मौलाना कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उग्रवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का सेक्रेटरी जनरल था। वो किसी बड़ी फौज का कमांडर नहीं था। वो हजारों लोगों का भी कमांडर नहीं था। वो तो बस मुट्ठी भर लोगों का ही कमांडर था। लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैश्याना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था। 1994 में गिरफ्तार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जेल में रखा गया था। इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं। मौलाना को छुड़वाने की कई कोशिशें हो चुकी थीं। दो बार तो विदेशी पर्यटकों को अगवा करके मार डाला गया था। एक बार जेल तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फंसा रह गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को ये सनसनीखेज सच्चाई भी पता चली कि मुख्य अपहरणकर्ता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई हाईजैकर्स की पहली मांग थी। लेकिन 30 घंटे से भी ज्यादा माथापच्ची के बाद भारतीय दल हाईजैकर्स से सारी मांगें निकलवा पाया। मोहम्मद मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रिहाई, आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की फिरौती चाहते हैं। हम कंधार में अपने वार्ताकारों के जरिए इसका जवाब भेज देंगे। इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस बातचीत के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सबको चौंका दिया। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। IC-814 के यात्रियों और कर्मचारियों के अपहरण का पांचवां दिन था। विमान के भीतर हालात बिगड़ रहे थे और बर्दाश्त के बाहर हो रहे थे। मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे
और उन्होंने 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टॉयलेट्स थे वो ओवरफ्लो कर रहे थे। अपने परिवार को बंधक देखकर, उनकी बेचैनी और उनकी जान खतरे में देखकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लोगों ने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं ये सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका, तुम एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहते हो, मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन ये सब खत्म करो, हमसे अब और नहीं सहा जाता। विमान के भीतर के हालात की खबरें जब भारत में रिश्तेदारों और मीडिया तक पहुंची तो वार्ताकारों पर समझौते के लिए दबाव बढ़ने लगा, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। 29 दिसंबर को यानी अपहरण के 6th दिन जब अपहरणकर्ता सद्भाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकल आया है। महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे। इससे कहीं न कहीं ये डर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे। तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताऊं, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुद मर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझौते की उम्मीद फिर टूट गई, बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी। रिहाई का इंतजार कर रहे 35 चुने हुए यात्रियों को वापस विमान में धकेल दिया गया। काफी शोर मच रहा था। मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस इकोनॉमी क्लास में धकेला जा रहा था। तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़ी अजीब सी स्थिति थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता। उनके और भारत सरकार के बीच बातचीत रुक गई थी। अब वो लोगों को मारने वाले थे। पता नहीं वो लोगों को चुन चुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेंक देते या प्लेन को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर उड़ा देते। मुझे अच्छी तरह याद है पूरे विमान में बिल्कुल सन्नाटा फैला था। कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब 200 लोग बैठे थे। तो क्या यही अंत था? क्या IC-814 के यात्रियों और कर्मचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था? अफगानिस्तान में कंधार में हाईजैकर्स और भारत सरकार के वार्ताकारों के बीच बातचीत टूट गई थी। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो एक एक करके उन्हें मार देंगे। अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सन्नाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था। कोई हलचल नहीं थी, सब लोग बैठे हुए थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वापस आया और बोला कि न जाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं, लगता है कि बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। फिर करीब 3-4 घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है, भारत सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं और अब हम जल्दी ही आजाद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन किस कीमत पर? तालिबान और अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद समझौता हुआ है कि 3 उग्रवादियों के बदले सभी बंधक छोड़ दिए जाएंगे। 3 उस समय छोड़े जाने वाले 3 आतंकवादी थे, मौलाना मसूद अजहर, जिस पर हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य होने का आरोप था, उमर शेख, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,
तीसरा कैदी मुश्ताक अहमद जरगर अल उमर मुजाहिदीन उग्रवादी गुट का मुख्य कमांडर था, जिसे कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए पकड़ा गया था। मेरे ख्याल से वो समझौता भारत के लिए सबसे बुरा था, वाकई में सबसे बुरा था, और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बेसिर पैर की समय सीमा तय कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते कि यात्री बंधक बनकर नया साल मनाएं। मान लो हम कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते, हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता, और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छुड़ाकर दिल्ली लाया गया, जहां से उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया। कुछ ही घंटों बाद रिहा किए गए आतंकवादी और अपहरणकर्ता तालिबान लड़ाकुओं के संरक्षण में आजादी से कंधार से रवाना हो गए। IC-814 में यात्री और कर्मचारी अपनी रिहाई से खुश थे। एक यात्री ने रिहाई के कुछ ही समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुर्लभ तस्वीरों में कैद कर लिए थे। उन्होंने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा। सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे, एक दूसरे के गले लगने लगे। उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही। हम उड़ने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गायब हो चुका था। नए साल से एक दिन पहले और IC-814 के अपहरण के 8 दिन बाद एक को छोड़कर सभी यात्री और कर्मचारी सुरक्षित भारत पहुंच गए। उनका सफर पूरा हो गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। ये जश्न रात भर और नई सदी की सुबह तक चलता रहा, लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था। भारत सरकार ने IC-814 के यात्रियों और कर्मचारियों की जान के बदले तीन खतरनाक आतंकवादियों को छोड़कर कहीं कोई गलती तो नहीं की? इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं, अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC-814 की कहानी का अंत कुछ अलग होता? मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया। रिहाई के बाद उसने बहुत जल्द उग्रवादी संगठन जैश मोहम्मद बना लिया। जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है। संसद पर हुए हमले में 7 मासूम मारे गए और 18 घायल हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले में भी जैश का हाथ था। मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है। उमर शेख 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने वाले 2 में से 1 विमान के पायलट मोहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है। उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल पर्ल को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। मुश्ताक अहमद जरगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रहता है। बताया जाता है कि वो उग्रवादी गुट अल उमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है। अब ये जाहिर हो चुका है कि पांचों हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे, जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताए जाते हैं। इंटरपोल और भारत की CBI ने पाकिस्तान औपचारिक अनुरोध किए हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया। IC-814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था। इस सवाल का पक्का जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स रिवॉल्वर और हथगोले विमान में कैसे ले गए, लेकिन IC-814 के अपहरण के बाद नेपाल सरकार ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा इंतजाम काफी सख्त कर दिए। इंडियन एयरलाइंस ने नेपाल के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर दी, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों की दोबारा जांच करते हैं, और भारत सरकार ने कुछ उड़ानों में स्काई मार्शल तैनात करने का भी फैसला किया। IC-814 में कैप्टन और अपहरणकर्ताओं के बीच कश्मकश चल रही थी।
अपहरणकर्ता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे, लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके घाव अभी तक ताजा थे। मैं लाहौर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था। मैं भारत में किसी भी जगह पर उतरने को तैयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके। लाहौर एटीसी का रुख कैप्टन के काम आया। उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया। लाहौर ने अपनी वायु सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी। इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था। आठ पुरुष यात्रियों को वहां से उठाकर एग्जीक्यूटिव कैबिन में ले जाया गया। उनमें 27 साल के रिपन कतियाल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे। जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर 3 लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खींचकर नायलॉन की रस्सी से बांध दिए। फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांध दी मुझे। यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया। मैंने अपनी रफ्तार करीब 40% कम कर दी क्योंकि मैं दिल्ली या अमृतसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें। लेकिन IC-814 में ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन अपहरणकर्ता अड़े हुए थे। वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे। फिर ये गतिरोध कैसे टूटा? आखिर कौन झुका? नेपाल में काठमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 पर 5 अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। वो रिवॉल्वर, चाकू और हथगोले लेकर विमान में घुस गए थे। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि पायलट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायु सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इनकार कर दिया। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमृतसर में उतार लें। लेकिन अपहरणकर्ताओं को डर था कि भारतीय सुरक्षा बल विमान में घुस जाएंगे, इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लेकिन वो अमृतसर में नहीं उतरना चाहते थे। उन्होंने 2-3 मिनट लिए, सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए, कुछ बातचीत की, फिर वो अंदर आए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि विमान को ईंधन मिल जाएगा? मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा, बस हमें अमृतसर में उतरने दो। कैप्टन की चाल काम कर गई। अपहरण अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था। एटीसी कुछ नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं मिल रही थी। प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। भारतीय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर सबको मार देंगे। तो कैप्टन शरण ने सोच समझकर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उड़ान भरी। प्लेन में जितना ईंधन था उससे लाहौर पहुंचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। भारत ने प्लेन पर कब्जा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया था। पायलट यही कहते रहे कि उनके पास बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम ईंधन नहीं भरेंगे तब तक एयरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा। हमने अमृतसर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एयरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। कारण तो कई हो सकते हैं।
लेकिन हमें और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कोई कारण नहीं बताया गया। मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा। पहली सूचना मिलते ही एनएसजी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था। हाईजैक को खत्म करने की कोई रणनीति होनी चाहिए थी। IC-814 अब अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहाँ उतारना नहीं चाहती थी। जब विमान को मार गिराने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने लाहौर हवाई अड्डे पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहाँ उतरने नहीं दे सकते, तुम कहीं और जाओ। उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन एड भी बंद कर दिए और एप्रन लाइट्स भी बंद कर दी। आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स ऑन कर दी। मेरे पास हवा में रहने के लिए ईंधन नहीं था, मुझे फैसला लेना ही था। तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगह दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूं। दिशा बताने का कोई संकेत न होने के कारण पायलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि यह लाहौर का रनवे है, लेकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पायलट्स ने देखा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है। ये तो रोड है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज अब समझ गई थी कि पायलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर IC-814 को उतरने की इजाजत न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा। कर्ताओं ने कैप्टन की इस गारंटी पर विमान को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी कि फौरन ईंधन मिल जाएगा। अब मुझे लगा कि हम यहां से नहीं उड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाईजैकिंग का ये नाटक अमृतसर में खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अमृतसर में स्थानीय पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG दिल्ली से अमृतसर जाएगी, और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई। मुझे दिल्ली से संदेश मिला कि NSG आ रही है, तो हमें उनका इंतजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरह से राजासासी एयरपोर्ट पर रोकना था। दिल्ली के निर्देश पर अमृतसर में अधिकारी ईंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे। लेकिन इस देरी से अपहरणकर्ताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा। प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया। हाईजैकर्स को यकीन हो गया कि भारतीय कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने IC-814 के पायलट को उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्हें ईंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी, पर पायलट ने हार नहीं मानी। IC-814 पर पायलट्स और अपहरणकर्ताओं के बीच खींचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे। पायलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो ऑल ऑफ अ सडन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे के कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेररिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहाँ पे रिपिन कथियाल की छाती में उसने काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया।
फ्लाइट इंजीनियर जागिया को हाइजैकर्स के इस दावे की पुष्टि करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रहे हैं। जागिया वहां की हालत देखकर सकते में आ गए। जागिया कॉकपिट में आए तो थरथर कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को मार दिया है। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि अगर तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाया तो हम सबको मार देंगे। बहुत हो चुका, तुम उड़ान भरोगे या नहीं? मैंने कहा हमारे पास ईंधन नहीं है। हाईजैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी। अगर 30 से 0 तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पायलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे। 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एयरलाइंस की नई दिल्ली तक की इस उड़ान के यात्रियों के लिए 1.25 घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था। इनमें से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुंचने वाले नहीं थे। अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थीं। आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अध्याय लिखा गया। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 रवानगी की तैयारी में थी। 1 घंटा 20 मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुंचने वाला था। कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण, को पायलट सिंह और फ्लाइट इंजीनियर जागिया उड़ान से पहले की जांच पड़ताल कर रहे थे। विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादातर नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ्ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे। शाम 4 बजे के बाद जब IC-814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। बहुत जल्द ये विमान भारतीय वायु सीमा में आ गया। कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी। इतनी छोटी उड़ान में यह काम फुर्ती से निपटाना जरूरी होता है। दिल्ली काठमांडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी। मैंने सोचा कैप्टन्स को कुछ चाय कॉफी दे दी जाए। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पायलट्स को चाय देने के लिए कॉकपिट में पहुंचे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो IC-814 में सवार सभी लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैंने जैसे ही गैली की तरफ मुंह किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। वो नाटेकद का था और उसने चश्मा पहना था। मुझे लगा कि मुझे फौरन कैप्टन्स को बताना चाहिए। मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाए। जब अनिल शर्मा लौट रहे थे तभी मैंने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में घुस रहा है। कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये बम भरवाने के लिए है। पल भर के लिए मैं सहम गया। मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो। लेकिन वो अकेला नहीं था। हथियारों से पूरी तरह लैस 4 और अपहरणकर्ता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कब्जा कर लिया। आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फेंको, सीटों के नीचे फेंको, जल्दी नीचे फेंक दो। वो बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे, इसलिए हमने जल्दबाजी में हड़बड़ी में खाना फेंकना शुरू कर दिया।
फिर हमसे सीटें बदलने को कहा गया। बच्चे मुझसे दूर हो गए, अब वो पीछे बैठे थे, हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो मेरे पास नहीं थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो बहुत दूर थी। मैंने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उठाकर खड़ा हो गया और फौरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवॉल्वर तानकर बोला, चुपचाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा। सुन लिया? तब उसे मेरी आवाज में कुछ गुस्सा, कुछ फिक्र, कुछ खौफ, ये सब महसूस हुआ। शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं मानेगा। उसने कहा, जल्दी से देख और बैठ जा। मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ, देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे। फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कॉकपिट में कैप्टन शरण किसी तरह अपहरणकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक ईंधन नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितना ईंधन है? मैंने कहा कि दिल्ली तक का ईंधन है। उसने पूछा कि अगर दिल्ली न उतर पाए तो और कहां जा सकते हैं? उसे मालूम था कि हम बम्बई या अहमदाबाद जा सकते हैं। मैंने कहा अहमदाबाद। फिर उसने कहा कि अगर अहमदाबाद या बम्बई जा सकते हैं तो लाहौर क्यों नहीं जा सकते? दिल्ली से बम्बई के मुकाबले लाहौर ज्यादा करीब है। भारतीय उपमहाद्वीप में रात हो गई थी। IC-814 अपनी मंजिल से अनजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ खतरनाक हथियारबंद लोगों ने बंधक बना रखा था। कॉकपिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरणकर्ताओं की नजर बचाकर उन्होंने एक इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर दबाया, जिससे भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC-814 का अपहरण हो गया है।